नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं 2D एनिमेशन। और 2D एनिमेशन में आपको कार्टून एनिमेटर 4 के बारे में बता रहे थे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी कैरेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं पीछे के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी PSD फाइल को कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ से हम PSD में कैसे इसको एडिट करते हैं। और आज मैं बताऊंगा, अगर आपके पास PNG फाइल है, कैरेक्टर का पार्ट वाइज में PNG फाइल है, उसको यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास PNG फाइल है जो हर पार्ट वाइज में डिवाइड है। जैसे हेड हो गया, हिप हो गया, आर्म हो गया, लेग हो गया, माउथ है, आई है। तो इस टाइप से आप अगर PNG बना लेते हैं हर पार्ट को, जैसे माउथ का पार्ट हमने 4 बनाए हैं, आई के लिए बनाए हैं, आईब्रो बनाए हैं। तो इस टाइप से आप पहले क्या करिए कि हर पार्ट को अलग अलग PNG में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद हम कार्टून एनिमेटर में जाके हम इस जो पार्ट है इसको हम कैसे वहां पे ले जाके कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं कार्टून एनिमेटर में। तो ये हमारे पास जो है कार्टून एनिमेटर है, और ये देखिए हमारे पास ये कैरेक्टर बना हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है किस टाइप से हम यहाँ पे बनाते हैं वो मैं आज दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी एक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो है आप यूज इस कैरेक्टर को कर सकते हैं जिसमें सिंगल स्टेप में लेग हो, सिंगल स्टेप में इसका जो है हैंड हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लेते हैं, यहाँ से इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो हमारा जो है कैरेक्टर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो है ये इंपोर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको बड़ा कर लिए कैरेक्टर को। अब क्या करना है कि हमें इस कैरेक्टर पे रिप्लेस करना है जो हमारे पास PNG फाइल है, जो ये हमारे पास PNG फाइल है, इस कैरेक्टर के बदले में हम इसको रिप्लेस करना। तो हम क्या करते हैं, इसके एडिट मोड में जाते हैं, यहाँ पे जो कंपोजर मोड है कंपोजर पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टर जो है बोन के साथ आ गया है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो है किसी भी पार्ट को अगर चेंज करना हो, उसको रिप्लेस करना हो, तो उस पार्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो है, मैं आपको पहले भी बताया था, स्प्लिट एडिटर करके एक टूल्स है, इस पे हम क्लिक करते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है। अगर आप ऐड न्यू करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे प्रीव्यू या नहीं प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट इमेज। तो हमें क्या करना है, इसके बदले में रिप्लेस करना है। तो हमें क्या करना है, इस सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं, और जहां पे आपका फोल्डर है उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए हिप है, हम इस हिप को सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं देखिए हमारे पास इस हिप के बदले हमारा जो हिप है वो आ गया। हम इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं, इतना हम जूम कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है।
हम ये इतना जूम कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेग को रिप्लेस करते हैं। आप कोई भी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, हर एक पार्ट को रिप्लेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए हैंड को हम रिप्लेस करते हैं, इसको आर्म जो है इसको आर्म को रिप्लेस करते हैं। और यहाँ से हम जो है ये आर्म है हमारा राइट आर्म, इस पे रिप्लेस करते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं यहाँ पे। इस टाइप से हम यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद इस आर्म को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम सेट कर दिए। तो दोस्तों जब ये आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आपका जो बोन्स है वो बोन्स सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसके हाथ को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा हाथ यहाँ पे बना हुआ है, आप अगर कोई भी हाथ को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख के आप अपना हाथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये हाथ सारा जो है जब पोज, जब बोलने के स्टाइल या क्या क्या जो हाथ का पोज होता है वो यहाँ पे बना हुआ, जैसे देखिए ओके है, थंबेल है, जो विक्ट्री का साइन है, हर किसी के तरह का हाथ बना हुआ। तो मैं अभी सिंपल एक हाथ मैं रिप्लेस करता हूँ इसको, हमारे पास जो है ये हाथ को रिप्लेस यहाँ से कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये रिप्लेस, और फिर इस हाथ को रिप्लेस करते हैं। तो इस हाथ जब आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वहां पे आपको लेफ्ट राइट करके हाथ बनाना होगा। तो ये हमारा रिप्लेस हो गया है। उसके बाद हम जो है लेग को रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास है, ये है, ये है लेफ्ट लेग है। उसके बाद ये जो इसका सूज है हम उसको भी रिप्लेस कर देते हैं यहां से। ये सूज है, तो हम इसको जो है यहाँ से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद इस लेग पे रिप्लेस करते हैं, राइट लेग है ये। थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। और इसके सूज को रिप्लेस कर देते हैं, ये सूज है हमारे पास। तो ये हमारा जो है नीचे का पार्ट रिप्लेस हो गया। अब इसके हेड को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ से हम रिप्लेस करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास हेड है। अभी क्या है कि हम इसके बाल को भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैक हेयर है, हम बैक हेयर अभी हम ले नहीं रहे हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, जो भी पार्ट आपको नहीं चाहिए। और इसके जो ईयर है, ईयर को भी हम डिलीट कर देते हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं हर पार्ट को, मैं इसके ईयर को बनाया नहीं था इसलिए ईयर को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, क्योंकि ईयर इसके साथ में ही है और नोज भी इसके साथ में है, तो नोज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम इसको लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस इमेज के अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा कैरेक्टर इस टाइप से, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके माउथ और जो आई है उसको हमको रिप्लेस करना है। तो हम पहले माउथ को रिप्लेस कर लेते हैं यहां से,
यहाँ से हम माउथ पे क्लिक कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे जो है इसका माउथ का सिंबल बना हुआ है, लेकिन इसके बदले में हम अपना माउथ लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए चार माउथ है, चार टाइप से हम बनाए थे, ये और ये। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ये यहाँ से हट गया है, तो ये हो गया हमारे पास माउथ हो गया। और ये देखिए यहाँ पे इसके आई हैं, तो भी हम रिप्लेस कर देते हैं आई को, ये आई हो गया। और यहाँ पे जो है इसके आई बॉल हैं, आई बॉल नहीं आईब्रो हैं यहाँ पे, आईब्रो को भी हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। ये आईब्रो है हमारे पास, ये आईब्रो हमारा आ गया। राइट आई है, राइट आई को हम रिप्लेस कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा नेमिंग का इशू है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये हमारा जो है कैरेक्टर बन गया। अब इसके बोन्स को थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ये बोन्स जो हमारा इधर जा रहा है, मुझे इसके हाथ पे बोन्स लगाना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक बोन्स का टूल दिया हुआ, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है बोन एडिटर करके एक टूल है, इस पे आप क्लिक करिए। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये बोन एडिटर खुल के आ जाता है, और आप जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप सिंपली इस पे ड्रैग कर सकते हैं इसके जो बोन्स है। ये कुछ इस टाइप से उठा के रख सकते हैं। तो बोन्स को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे जब एनिमेट करेंगे तो आपको इशू आ जाएगा अगर बोन्स सही से नहीं लगेगा तो। ये हमने इसको सेट कर दिया। अब इस हाथ को भी हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम रखते हैं यहाँ पे, और जो ये पार्ट है इस पार्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारा जो है ये बन गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर तक रख लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जो हमारा लेग है, लेग को थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना होगा, कुछ इस टाइप से हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास देखिए ये कैरेक्टर हमारे पास बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे देखिए तो ये लेयर भी है। अगर आप कोई भी पार्ट अगर आपका ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करके, सिंपली ड्रैग करके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नेक है, हेड है, ये सब जो है आप बना सकते हैं कैरेक्टर को लेके। हम इसकी अभी बनाए नहीं है, तो आप वन बाय वन करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर आपको बनाना है उसको पीएनजी में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे बना सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद हम जाते हैं बैक, बैक जाने के बाद देखिए ये हमारे पास कैरेक्टर बन गया। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसके हाथ को। ये जो हाथ हमारे पास है, ये हाथ कुछ इस टाइप से है, फिर इसको भी थोड़ा सा सही करना होगा और इसके बोन्स को भी थोड़ा सा ठीक करना होगा। तो बोन्स एडिटर में जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे इस टाइप से आ गया हमारा। अब हम जाते हैं बैक, ये हमारा कैरेक्टर बन गया है। अभी हमको क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। आप किसी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली भी कर सकते हैं इसके यहाँ पे जाके। और
अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो तो आप एनिमेशन में जाते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मूवमेंट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे चल के आए और फिर ये यहाँ पे आके फिर बैठे, तो किस टाइप से होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए वॉकिंग बिहेवियर को यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए हमारे पास जो है ये कैरेक्टर चलना कुछ इस टाइप से शुरू हो गया। देखिए पूरा अच्छे तरीके से, थोड़ा सा देखिए इसके हाथ में इशू आ रहा है कि आप वहाँ पे बोन्स को अगर सही से नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पे इशू करता है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट में जाते हैं और इसके बोन्स को मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ सही से। बोन्स में जाते हैं और ये जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर दे देते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं। तो अभी देखिए मेरा सही हो गया ये हाथ। अब हम एक थोड़ा सा इसको मूवमेंट करा देते हैं, यहाँ पे है और जब ये मोशन पे क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे जब आए तो ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास ये मूवमेंट बन गया है। ये हमारे पास मूवमेंट बन गया। ये अब क्या करते हैं, इसको हम फिर से वापस लेके आते हैं इसको। तो इसको ही हम यहाँ से खींच देते हैं, इधर यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ पे ये आया तो ये जो है यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये फ्लिप हो गया और ये यहाँ पे आके हमें यहाँ पे आ गया। अभी दिखाता हूँ आपको मूवमेंट करा के। देखिए इस तरह आया और फिर ये इधर आ गया। ठीक है, और जब यहाँ पे ये आया तो ये क्या हुआ, स्टैंड हो जाएगा। तो मैं एनिमेशन में जाके एक जो है इसके पोज लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये जो है स्टैंड पोज यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से खड़ा हो गया, ये यहाँ पे आया और उसके बाद खड़ा हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे ही देखिए एक साइड व्यू में बैठने का यहाँ पे देखिए स्टाइल है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ पे जब आया तो ये फ्लिप कर देता हूँ इसको। इसको इस टाइप से फ्लिप हो गया ये। और यहाँ पे इसको हम इस पे लगा देते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास क्या हुआ कि ये कुछ इस टाइप से बैठ गया है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ इस टाइप से हम इसको बिठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बैठ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा जो है इसके पैर को एनिमेट नहीं, इसको सेटिंग कर देते हैं। अभी देखिए पीछे जा रहा है, अगर पैर को देखेंगे देखिए इसके पीछे जा रहा है। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, बोन्स को, हर एक बोन्स को आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ इस टाइप से कर देता हूँ और इसके सूज को हम कुछ इस टाइप से कर देते हैं। फिर इस बोन्स को लेते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं और इसको इस टाइप कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको सीधा कर देता हूँ। अभी मैं पूरा आपको चला के दिखाता हूँ इसको। देखिए इस टाइप से आया, फिर इस टाइप से वापस आया और ये बैठ गया यहाँ पे। तो आप इस टाइप से
कोई भी कैरेक्टर को पीएनजी में लाके यहाँ पे आप उसको इमेज बना सकते हैं और इसको एनिमेट करा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये था दोस्तों, कोई भी पीएनजी फाइल को लेके आके इसके कंपोजर मोड में जाके आप किसी कैरेक्टर को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेकर आऊँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Thank you.